प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण का संदेश लेकर कन्नौज पहुंचे यूपी सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सैयदपुर सकरी गांव में भूमि पूजन कर फावड़ा लेकर खुदाई की और मॉनसून के पूर्व में तालाब बनाने के लिए ग्रामीणों के साथ जिले के अधिकारियों के साथ फावड़ा चलाकर खुदाई की ताकि मॉनसून आने के बाद उस पानी को उस तालाब में रखा जा सके। वेलान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने जनता के बाद भी तथा पानी के अमौली होने के बारे में उनको बताया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आया हूं कि हमारे जीवन में पानी का क्या विशेषता है, जिससे चलते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा भूमि पूजन के बाद तालाब में खुदाई की गई। ऐसे में कार्यक्रम पूरे जिले में किए जाएंगे ताकि पानी को बताया जा सके और पानी को मूल्य। आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ सहयोगी दौलत शर्मा की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। 22 तारीख को 22 जून को पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में सभी ग्राम प्रधानों के नाम से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल संचयन को लेकर के चिंता जताई गई है। जल को बचाने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश भर में आयोजित किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए कि जल को बचाएं, उनके आगे आने वाली पीढ़ी में साफ जल वायु और पीने के लिए साफ जल मिल सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और श्रमदान के माध्यम से गाँव में जो भी तालाब हैं उनको खोद करके जो वर्षा का जल है उसको बचाया जा सके और भूजल का जो स्तर है हम उसको बढ़ा सकें, इसके लिए आज इस कार्य का आयोजन किया गया है।